भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार के दामनो थाना क्षेत्र के खलकाट में शनिवार रात को चोरों ने दो स्थानों पर ताले तोड़े, जो कि दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। रात करीब 3 बजे दो चोरों ने चौराहे पर स्थित एक ऑटो पार्ट्स एवं एक अन्य दुकान पर धावा बोला। ऑटो पार्ट्स से करीब 3,000 रुपए नकदी ले गए। वहीं दामनो पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर मौके का मुआयना किया। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। क्या चोरी की घटना, क्या कुछ जानकारी? चोरी 3:55 के आसपास चोर आए, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए, कैमरे में देखा हमने। सती सवेरे से आए 7 बजे, किया भैया मेरे ताला टूट गया, क्योंकि मेरी दुकान 6 बजे खुल जाती है। दे भी पाया फिर देखा मैंने तो सही बात, ताला टूटा हुआ दोनों साइड का, शटर ऊँची है। फिर उसी टाइम हमने मेरे फुटेज देखे, कैमरे के फुटेज देखे, 3:55 के आसपास चोर दिखे हमको। दो चोर है, उन्होंने ताला तोड़ा बकायदा एक साइड का, एक साइड ऊँची करी एक चोर ने, दूसरा और साइड से नट बोल्ट था अंदर से वो निकाल के ना अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद एक अंदर घुसा, वापस शटर लगा दी और एक बाहर भग गया। और उसमें फिर 10 मिनट बाद तो वो पीछे से सामान वामान गले में पेमेंट था कुछ, वो निकाल लिया। निकालने के बाद फिर दूसरे वो वाले ने बाहर से शटर उठी करी और फिर दोनों स्थिति में भग गए। ये 10 मिनट का कारनामा चला करा। और भी पहले घटनाएं हो चुकी है क्या? ताले इसके पहले, मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, इसके पहले कई दुकानों के ताले टूटे, अभी तक कोई कार्रवाई चोर पकड़ में नहीं है। ये चोर लोकल के ही है, काले कपड़े पहन के आते हैं और ये घटना का अंजाम दे। कितनी रकम है? करीब 4,000 रुपये गले में पेमेंट लेके गए। सतीश भाई की दुकान पर आपके पास। आपका नाम? लक्ष्मीनारायण पाटीदार, व्यापारी संघ अध्यक्ष। आपके गाँव शहर प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।